जाने माने अभिनेता जितेंद्र और तुषार कपूर के घर पर हर साल गणपति बाप्पा का आगमन होता है। पारंपरिक अंदाज में गणेशोत्सव का जश्न मनाया जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद तुषार कपूर, उनसे हम बातचीत करेंगे। हर साल आपके घर में बाप्पा आते हैं, बहुत धूमधाम से स्वागत करते हैं, इसके बारे में बताइए कि कितने उत्साहित हैं एक बार फिर से बाप्पा आपके घर पर आए हैं। बहुत सालों से कर रहे हैं हम लोग, डैड के टाइम से कर रहे हैं। डैड अपने पुराने घर के जहाँ रहते थे पहले, वो वहाँ पर भी गणेशोत्सव मनाते थे। 40-45 साल हो गए, तो मेरी जन्म के बाद मैंने तो बचपन से ही देखा है इस ट्रेडिशन को, तो मेरे लिए इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ, माई रूटीन। तो पापा के आने का इंतज़ार होता है और हम लोग हर साल ऐसे ही मनाते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से थोड़ा कंसाइज तरीके से मना रहे, थोड़ा इको फ्रेंडली तो पहले भी थे, बट नाउ वी बिकम यू कैन से कोविड प्रिकॉशियस आल्सो। एंड अभी हम गेस्ट को बुलाते नहीं है ज़्यादा, आप लोग हमारे गेस्ट है बस, उसके अलावा ज़्यादा कोई गेस्ट आएंगे नहीं। एंड आप सिर्फ इस इंटरव्यू के लिए मैं मास्क उतार के बात कर रहा हूँ, वरना मास्क पहने हुए रहता हूँ। ये पीछे जो आपके हम मूर्ति देख सकते हैं, इस साल जो मूर्ति मंगाई है, इसकी क्या खासियत है? इको फ्रेंडली है और इसके अलावा क्या खासियत है? वी हैव नॉट चेंज द हाइट फॉर मेनी मेनी ईयर्स। आई थिंक 2 फीट का ही हाइट है जो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से, और इट्स डिजॉल्व इन वाटर वो भी है, सो इट्स वेरी इको फ्रेंडली एंड इट्स ऑब्वियसली द सेम हाइट एज मेनी ईयर्स बैक। सजावट भी देखी, काफ़ी अलग तरीके से सजावट की गई है। क्या आप खुद भी सजाते हैं? पूजा करते वक्त हम सजाते भी है, भगवान को खाना भी खिलाते हैं, नहलाते हैं। सो दैट हैपेंड इन द मॉर्निंग व्हेन आई डिड द आरती, बिफोर द आरती व्हेन आई डिड द पूजा, तब किया था वो सब। अच्छा, हर साल हम जब यहाँ पे गणपति कवर करने आते हैं तो हम देखते हैं कि आपके पापा जो जितेंद्र हैं वो भी खुद पूजा में शामिल होते हैं, हमारे सामने आकर इंटरव्यू भी देते हैं, बातचीत भी करते हैं। इस बार वो नजर नहीं आ रहे, आप ही हमारे दर्शकों को बताइए कहाँ पर डूइंग द मॉर्निंग आरतीज। अभी इस साल मैं पिछले कुछ सालों से मॉर्निंग की आरतीज मैं ही करता हूँ। डैड अगर फ्री हो तो आ जाते, लेकिन शाम की आरती वो करते हैं। ऐसा कोई खास कारण नहीं है कि अभी वो नजर नहीं आ रहे? नहीं, ऐसा कोई खास कारण नहीं है। ही विल बी डाउन, ही विल बी गोइंग टू द ऑफिस वेरी सून। ये बताइए तुषार, बहुत लोग जो है बापा को जब मानते हैं तो मन्नत भी रखते हैं, कुछ उनसे मांगते भी हैं, कोई मुराद भी रखते हैं। आपने ऐसी कोई मन्नत रखी है, कोई मुराद है आपकी जो आप पूरी करना चाहते हैं, आपने बापा से उसकी दरख्वास्त की हो? बस यही कि दरख्वास्त है कि जितना संभाल के रखा है इस कोविड के दौर में हम सबको, तो उतना और संभाल के रखिए जब तक ये अंत ना हो जाए इसका, और हमारी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री जल्द से जल्द पूरी तरह खुल जाए, पूरी तरह पहले की तरह हो जाए, थिएटर्स खुल जाए, और जिन जिनको नुकसान हुआ है उनका वापस फ़ायदा हो जाए, मुनाफा हो जाए और रिकवरी हो जाए, जितना भी लॉस हुआ है वो सब वापस आ जाए फॉर द इंडस्ट्री, एटलीस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज, पर खासकर हमारी फिल्म इंडस्ट्री। हिंदी फिल्मों की अगर बात की जाए, गानों की बात की जाए, तो ऐसे कई बाप्पा के गाने भी हैं जो हम सुनते हुए बड़े हुए हैं। आपका कोई फेवरेट गाना बाप्पा का? नहीं, ऐसा कोई फेवरेट गाना तो नहीं है। सारे जो फिल्मों के गाने होते हैं वो पॉपुलर होते ही थे, लेकिन 70s और 80s में ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे गणपति के गाने। आज इतना दिखाई नहीं देते फिल्मों में, आई थिंक कम फिल्मों में दिखाई देते हैं, एंड आई थिंक अग्निपथ हैड इट एंड वेरी फ्यू फिल्म्स, लेकिन जब भी हम गणपति वाला गाना देखते हैं किसी फिल्म में तो ऑब्वियसली इट जस्ट रिमाइंड्स यू ऑफ योर। कोई फेवरेट गाना? नो, ऐसा कोई फेवरेट गाना नहीं है। जस्ट इसका एक बहुत पॉपुलर गाना हुआ करता है, देवा हो देवा, दैट्स ओनली सॉन्ग दैट कम्स टू द माइंड, उसके अलावा कोई गाना आता नहीं है। मूर्ति गणेश की वो भी एक गाना था। अच्छा, ये बताइए क्या आप पंडाल हॉपिंग करते हैं? हालांकि 2 साल से तो ये पॉसिबल हो नहीं पा रहा, पेंडेमिक है, इस साल तो अलाउड भी नहीं है कि आप किसी पंडाल में जाकर खड़े हो। तो मैं आपकी कुछ यादें जानना चाहूंगा कि क्या आप पंडाल हॉपिंग किया करते थे बचपन में? मैंने कभी ऐसा दिवाली हॉपिंग भी नहीं किया है। मैंने घर लोगों के घर में, आई थिंक औरतें बहुत पसंद करती है एक घर से दूसरे घर जाकर गणपति के दर्शन करना, इट्स लाइक अ सोशल, इट्स बिकम मोर ऑफ अ सोशल। बाग के राजा जाते हैं, एक तक मैम काफी जाती हैं। ऑफ कोर्स एक इवेंट हो गया है, लाल बाग जाना एक प्रिविलेज हो गया अगर आप जा सके, एकता जाती है। बट आई हैवंट गॉन हॉपिंग गणपति पंडाल हॉपिंग, इट शुड बी इन योर हार्ट, इट शुड बी इन योर डीड्स, हमारे कर्म सही होने चाहिए, दैट इज द बेस्ट वे टू डू पंडाल हॉपिंग। अच्छा, आपको याद आता है कि पापा ने जब आपको बापा से इंट्रोड्यूस कराया होगा बचपन में, तो सबसे पहले क्या बात उन्होंने कही होगी आपसे, कुछ खास बातें बापा के बारे में आपको बताई हो उन्होंने? ऐसा कुछ याद तो नहीं है, बस उन्होंने बस यही कहा कि
पुराने घर में भी रखा करते थे, अब यहाँ हम जो बंगलों में रह रहे हैं, जो हम पहले रहते थे बचपन में जिस जगह, तो उस जगह के को मन में रखकर उन्होंने कहा कि यहाँ भी हम कंटिन्यू करेंगे एंड इट्स गोइंग टू कंटिन्यू टिल यू हैव टू कंटिन्यू व्हेन यू आर, जब आप बड़े हो जाए तो आपको ये ट्रेडिशन आगे बढ़ाना पड़ेगा. सो ही हैड ऑलवेज इन्फॉर्म मी दैट इट्स अ फैमिली ट्रेडिशन. बस इतना ही कहा था. आई थिंक उन्होंने कुछ ऐसे घास बैठकर ऐसी कोई स्पेशल चीज़ नहीं कही थी. आई थिंक इट वाज आई थिंक इनकल्केटेड इन अस. देखते ही देखते हम समझ गए. चलिए जाते जाते अगर बप्पा का कोई नारा आप लगाना चाहें कैमरे के सामने तो क्या होगा वो? बप्पा गो करोना गो. चलिए हम भी यही चाहेंगे कि कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो और जो गणेश उत्सव का जो जश्न है वो इसी तरह से मना पाएं, आप अगले साल बहुत धूमधाम से मना पाएं. अब दो साल से तो नहीं मना पा रहे. एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे.